में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है हेल्पिंग चिल्ड्रन एडजस्ट विद द न्यू नॉर्मल, स्पेशली इन दिस कोविड-19 सिचुएशन। तो ये न्यू नॉर्मल क्या है, इसका बच्चों के जीवन पर क्या असर हो रहा है, पेरेंट्स कैसे बच्चों की मदद कर सकते हैं और क्या हमें बच्चों को कोविड-19 सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। इस तरह के तमाम सवाल पेरेंट्स के मन में भी उठते हैं, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, बच्चों को कैसे संभालना है। तो आइए आज अपने एक्सपर्ट्स से इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभात कुमार मिश्रा जी, आप एनसीईआरटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से हैं, और हमारे साथ हैं प्रज्ञा शांडिल्य जी, आप प्रैक्टिसिंग काउंसलर हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आप दोनों से बातचीत शुरू करें इससे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि अगर आप भी इस तरह की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं हमें कॉल करके हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। नंबर्स हैं 1800-111-265 और 1800-111-2199। आप अपने सवाल हमें मेल भी कर सकते हैं ciet.kishoremanch@gmail.com पर। यहाँ अपने सजेशन और फीडबैक भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑफिशियल पर देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे अपनी बात कह सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये न्यू नॉर्मल क्या है और ये इतना स्ट्रेसफुल क्यों है। मिश्रा जी, अगर आप बताएं हमें। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से लॉकडाउन है नहीं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर भी हम दबाव का अनुभव कर रहे हैं। बहुत से सारे लोग हैं जो अभी भी अपने घर से कार्य कर रहे हैं और बच्चे भी घर पर हैं, और चूंकि स्कूल बंद है तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो इस कारण से जो माता पिता और बच्चे दोनों को ही जो नई सामान्य स्थिति है, न्यू नॉर्मल, उनसे समायोजन करने में दिक्कत हो रही है। जी बिल्कुल सही, ये परेशानी हो रही है और बच्चों को लेकर खास तौर से इस तरह की दिक्कत हो रही है। तो कुछ क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में, ये समझना बहुत जरूरी है कि हाउ टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ दिस सिचुएशन। प्रज्ञा जी, कैन यू हेल्प अस? यस मैम। मैम, जैसे कि सर ने बताया कि दिस इज द न्यू काइंड ऑफ सिचुएशन, और जनरली क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस घर से हो रही हैं, तो इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर बोथ द साइड, फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द चिल्ड्रन एज वेल। सो अभी क्या हो रहा है, दो तरीके के स्ट्रेसेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एक तो कोविड का फियर स्ट्रेस, हम पूरे दिन न्यूज देख रहे हैं और एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उसका हमारे ऊपर पड़ रहा है। एंड द सेकंड थिंग, क्योंकि हम पूरे टाइम घर में हैं तो बच्चों का भी बाहर जाना नहीं हो रहा, हमारा भी बाहर जाना नहीं हो रहा, तो उससे भी हम अपने को मैनेज नहीं कर पा रहे और एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो इन सबके बीच में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, कि हम किस तरीके से हमारी जो अपनी एनर्जीज हैं उसको किस तरीके से डिवाइड करें और उसको टाइमली मैनेज कर पाए, जिससे कि हमारा पूरा दिन ही बहुत बेटर वे में जा सकता है। एंड जो सेकंड थिंग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है वो ये हो रही है, एंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा, कि हम बाहर नहीं जा पाते, बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, उनके अंदर इमोशंस को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो वायलेंस बढ़ता जा रहा है। तो इन सबके बीच हम सबको इतना एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर अगर हम कंडीशन को देखें, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, की क्राइसिस की कंडीशन में भी किस तरीके से ब्लूम हुआ जा सकता है, किस तरीके से हम बेटर वे में अपने पूरे डे को डिफाइन कर सकते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने साथ में, उनको किस तरीके से क्रिएटिवली अपने इमोशंस उनके भी शेयर कर सकते हैं और अपने इमोशंस भी हम उनके साथ शेयर करें। तो ये स्ट्रेस की जो इतनी ज्यादा कंडीशन हमें दिखाई दे रही है वो थोड़ी कम जरूर हो जाएगी। दिस इज न्यू नॉर्मल, वी से दिस इज न्यू नॉर्मल एक्चुअली, सो दिस इज अ न्यू कंडीशन और इसमें हमें थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करना होगा। Sorry ma'am, I'm not able to listen you. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मॉडिफिकेशंस की जरूरत है हमें, क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एक्चुअली पेरेंट्स भी वही हैं, बच्चे भी वही हैं, सिचुएशन भी ऑलमोस्ट वही है कि आप घर में, हाँ ठीक है बाहर नहीं जा सकते, तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। आपने कुछ स्ट्रैटेजीज हमें सजेस्ट की, लेकिन आपने एक लाइन ये कही कि इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। मिश्रा जी, अपॉर्चुनिटी की तरह देखने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन इसे आसान बनाने के लिए आप लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। तो किसी भी स्थिति को हम अपॉर्चुनिटी के रूप में विकसित कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें
शांत दिमाग से सोचना होगा कि अभी इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं जो कि हम पहले नहीं कर पाए थे। तो बहुत सी सारी गतिविधियां हैं जो पहले हम नहीं कर पाए थे, अभी चूंकि हम भी घर पे हैं, बच्चे भी घर पे हैं, तो दोनों मिलके साथ साथ मिलके हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं घर पे रह के। बहुत सी सारी इंगेजिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप बच्चों को शामिल करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर बच्चे हैं तो कोई नई हॉबी, नया शौक या जिसमें रुचि है बच्चों की, वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनको अगर संगीत में रुचि है तो मैंने उसमें आगे वो बढ़ सकते हैं, और कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो और या घर में ही हैं तो आप गार्डनिंग में करके आप नेचर के करीब जा सकते हैं, साथ साथ आप मैंने घर में जो इंडोर गेम्स हैं वो खेल सकते हैं। योगा है और फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, वो दोनों टाइम आप बना लीजिए और उसका पालन कीजिए, आप ये सब घर में रह के कर सकते हैं। जी ये सारी चीजें कर तो सकते हैं, पर मुझे लग रहा है 3-4 महीने में ना बच्चे ये सब कर करके भी थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। हम पेरेंट्स को और ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ रहा है, हम खुद भी ये फील करते हैं और नई नई चीजें लेकर के आ रहे हैं, बोर्ड गेम्स खेलने के नए नए तरीके लाने पड़ रहे हैं। तो प्रज्ञा जी कुछ और तरीका किसी डेज वाइज या कुछ इस तरीके से बच्चों को यू नो एंगेज करने के लिए कुछ और स्ट्रेटजीज हो? राइट, जैसे कि मैंने अभी कहा सर ने बताया कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, तो मैं एक बात तो ये लूंगी अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है कि जो चीजें हम नहीं सीख पा रहे थे उसके लिए नया टाइम मिला है। जो चीजें हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हम घर में रहें और हम ऐसा कुछ कर पाए, उसके लिए नया मिला है लोगों को। तो अगर वो उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो वो देखेंगे कि वो कितनी ज्यादा एनर्जी फील कर रहे हैं अपने अंदर। एंड दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा लैकिंग रह जाती है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। एंड तो जैसा कि हम योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। तो इस समय मैं ये कहना चाहूंगी कि ना पेरेंट्स एक जो बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं बच्चों के साथ वो ये कर सकते हैं कि ना वैल्यूज दे सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ, अब्दुल कलाम का, कि रामेश्वरम में बहुत ज्यादा साइक्लोन आया था और उनके घर की पूरी छत उड़ गई, तो सब कुछ इसी तहस नहस जैसी स्थिति थी। और जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा मेरे फादर नहीं है, तो गए फादर के पास में कि कहाँ है कहाँ है, तो वो सी साइड पर खड़े हुए थे, बहुत शांत भाव से खड़े हुए हैं। तो उन्हें लगा कहीं आत्महत्या तो नहीं जा रहे, उन्होंने पूछा क्या हुआ पिता जी, जो भी बोला होगा। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस आराम से देख रहा हूँ। बोले इतना जब सब कुछ हो गया तो बहुत टेंशन हो रही होगी, बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, क्या हो गया? वो बहुत सूफी इंसान थे और कहते हैं कि वो जिसको टच भी करते थे तो उसकी बीमारियां खत्म हो जाती थी, उनके फादर होते। तो उस समय उन्हें वैल्यू मिली कि किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो कितनी बुरी से बुरी कंडीशन हो और गरीब फैमिली से थे, खड़ा हुआ जा सकता है। फिर क्या हुआ कि अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते, तो उसके इंटरव्यू के लिए गए, तो वहां से उन्हें सिर्फ ये कह के निकाल दिया गया कि आपकी हाइट कम है। उन्हें इतना शॉक लगा इस बात का, और वही चीज हुई कि वो सुसाइड करने चल गई। जब वो जा ही रहे थे तो सामने उन्हें अपने ऐसा लगा फादर के ना क्या हुआ, क्या करने जा रहा है, उन्हें वही सीन याद आए। सो दीज आर दी वैल्यूज, दीज आर दी कोर वैल्यू, दीज आर दी इनर स्ट्रेंथ जो कि पेरेंट्स इस टाइम पर अपने बच्चों को दे सकते हैं, और वो ये वो स्ट्रेंथ है जो उन्हें कहीं भी किसी भी कंडीशन में खड़ा कर देती है। तो स्टोरीज अपने साथ शेयर कर सकते हैं कि उनकी पुरानी, कि जब वो प्रॉब्लम में थे, कभी एग्जाम याद नहीं हो रहा था, उन्होंने कैसे कोप अप किया। आजकल देखिए ना बच्चों को कितना स्ट्रेस हो जाता है, एग्जाम का स्ट्रेस है, अभी रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट का स्ट्रेस है, तो उन्होंने किस तरीके से अपने आप को खड़ा किया। तो ये अपने ही पास एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हम बहुत ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाते, फैमिलीज के बीच रिलेशन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो उनके साथ हम वीडियो कॉलिंग करके उनका अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट किया जा सकता है फैमिली का। तो जिसे हम कहते हैं लव, पीस, हारमोनी, सेटिस्फेक्शन, एक्चुअली दीज आर आवर कोर स्ट्रेंथ। हम बच्चों को ये चीज समझा सकते हैं, हमने डॉक्टर की पढ़ाई की, हमने एजुकेशन में क्या लिया, दीज आर एक्चुअली मतलब एक इनकम कमाने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर जीवन जीने के लिए कुछ और चीजें हमें चाहिए होती हैं, तो इस पर भी फोकस किया जा सकता है। जी, और ये अच्छा टाइम है ये सारी चीजें बच्चों को बताने का, समझाने का। लेकिन एक चीज जो हर पेरेंट के दिमाग में है कि क्या इस सारी सिचुएशन की जो रियलिटी है, जो रियल सिचुएशन है इस वक्त, क्या वो बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, क्या उनको बताना चाहिए COVID-19 के बारे में डिटेल में? मिश्रा जी आप इसे कैसे देखते हैं और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो सबसे पहले जरूरी है कि जो रिलायबल न्यूज है COVID-19 से संबंधित,
उसको शेयर करना चाहिए बच्चों को, न कि अफवाह और ये कि ये हो रहा है, इतने केसेस हो गए। पॉजिटिव वे में आप उनसे बातचीत करिए, और जो रियल न्यूज़ है जो आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप वही शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ। और दूसरा ये भी बात, उनको सबसे ज़रूरी है कि उनको मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाना है, और उनको ये बताना है कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेज ऐसे मतलब आए हैं कि जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी फिर भी उन्होंने अपने विल पावर या योगा मेडिटेशन के बल पे वो बिल्कुल ठीक हो गए और अभी सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना है ताकि वो मैंने भयभीत ना हो कि मैंने COVID-19 के इस सिचुएशन से। जी बिल्कुल, उनको स्ट्रांग तो बनाना है मेंटली, लेकिन ये भी समझना चाह रही हूँ आपसे, आपने बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई कि बच्चों को कैसे हैंडल करें, लेकिन मिश्रा जी ये चीज कन्वे करना मैसेज, मतलब हम बच्चों को कैसे बताएं, जैसे हम उन्हें ये बताते हैं कि भाई हाथ अच्छे से धो, दिन में इतनी बार धो, हर बार जब भी आपने कुछ छुआ तो आप हाथ धोइए, या हम उन्हें ये बताते हैं कि हाँ ठीक है आपने आप जो सिम्टम्स, अगर आपको कुछ खांसी आ रही है कुछ भी हो रहा है तो आपको संभल के रहने की जरूरत है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इस तरह की चीजें तो हमने बता दी, लेकिन जो जो चीजें अब न्यूज है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, और उसके बाद वो हमसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हो रहा है, ये 8 लाख केसेस का क्या मतलब है, इतने सारे लोग क्यों बीमार हो रहे हैं, इस तरह की जो उन छोटे मासूम दिमाग में जो चिंताएं हैं उसको समझाने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन बच्चों को कैसे बिलीव करें इसके बारे में? तो उनको इन सिंपल वर्ड्स उनको समझाइए कि ये क्या है, मतलब कोविड क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो उनके मन में जो इस बीमारी या महामारी के प्रति जो भी शंका है उसको उनके मन से भय को दूर करना होगा। सबसे ज़रूरी ये है कि मन से दूर करना होगा, और साथ ही साथ हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मैंने उसका हुए उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही अत्यावश्यक है जी। इस चीज को उन बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है, चाहे हम खेल खेल में समझाएं या जैसा प्रज्ञा जी कह रही थी कुछ कहानियों के जरिए समझाएं, लेकिन इसको समझाना होगा। प्रज्ञा जी आप कैसे देखते हैं, जैसे बच्चे हैं अब पार्क में जाना है शाम को, अब 2-4 बच्चे भी अगर आ गए कि नहीं, 2-4 पेरेंट्स ने भी अलाउ कर दिया, तो बाकी बच्चे घर में फिर वही है, उनको लगता है कि हमारे पार्क में बाकी बच्चे तो हैं आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो, दे गेट एंग्री विद द पेरेंट्स, दे गेट फ्यूरियस, फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप उनको रोकने की कोशिश करो, और अगर भेजो तो खुद को ही डर लगता है कि पता नहीं किस तरह की सिचुएशन हो बाहर, ऐसे में बच्चों को हैंडल करना ज्यादा बड़ी चुनौती। राइट मैम, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, दो तरह की कंडीशंस देखने में मिल रही हैं। एक कंडीशन ये है जहां टीनेज बच्चे हैं और वो ये फील कर रहे हैं कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनके मन में एक है, तो वो हम पार्क में खेलने भी जाएंगे, हम वॉक करने भी जाएंगे, वी विल डू एवरीथिंग। दूसरी साइड क्या हो रहा है, बच्चों के मन में, कुछ लोगों के मन एक्स्ट्रा फियर डेवलप हो रहा है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों ही कंडीशन बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो हमें बच्चों को वही वाली बात है कि बहुत क्लियरली डिफाइन करना होगा कि जो लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं उन लोगों को जल्दी कोरोना हो रहा है, और एक चीज और भी है कि अगर आप ये सोचते हैं कि बेटा आपको नहीं होगा, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ओनली ऑन योर बॉडी, ओनली फॉर योर बॉडी, आप हमारे लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जब हम बच्चे के मन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग जब डेवलप करते हैं तो उसे लगता है नहीं, मेरी वजह से मेरी फैमिली भी है, मैं ही इंडिविजुअल नहीं हूं, तो फिर वो उस कंडीशन में उसको अप्लाई करने का सोचते हैं। दूसरे जो बहुत ज्यादा फियर में है, हमें ये समझाना होता है कि देखो बेटा आप खेल सकते हो, बट यू ओनली नीड टू मेंटेन योर सोशल डिस्टेंस, एंड बार बार आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हो, मास्क लगा के, क्योंकि खेलना भी जरूरी है। तो आप उतना एक्स्ट्रा फियर मत लो, इवन जो सही हो रहे हैं उनके केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वही वाली बात है कि हमें बच्चे के अंदर डर पैदा नहीं करना है, एक पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करना है कि ठीक है दिस इज द सिचुएशन, कुछ टाइम के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, तब तक के लिए हमें अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करके चलना है। और ये भी बता देना चाहिए इन द केस अगर कुछ हो भी जाता है, स्टिल वी आर विद यू, या फैमिली वी आर विद यू, अगर कुछ हो भी जाता है इट्स ओके। मैं ये नहीं कह रही कि इसका मतलब बच्चे फ्रीली घूमना शुरू कर दें, बट अगर एक कंडीशन ऐसे भी आती है तो आप ये मत सोचो मेरे साथ मेरी लाइफ खत्म है, ठीक है उसके बाद भी खड़ा हुआ जा सकता है,
बहुत सारी बीमारियां पहले भी होती आई हैं, अभी एक नई कंडीशन क्रिएट हुई है, वैक्सीन बनाई जा रही है, जल्दी वो भी आ जाएगी और 15 दिन के अंदर हम इससे लड़कर और बहुत अच्छे से घर वापस आ सकते हैं और इसमें कोई भी बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं। तो ये जो एक इंसाइट डेवलप करने वाली बात है, यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए। जब ये शुरू हुआ था मार्च में, बच्चों के एग्जाम्स खत्म ही हुए थे, अप्रैल के सेशन, न्यू क्लास और न्यू ड्रेस और न्यू बुक्स का क्रेज था बच्चों को, उस टाइम पे ये सारी सिचुएशन शुरू हुई। तब बच्चों को समझाया कि कोई बात नहीं, गर्मी की छुट्टियों तक वेट करो 2-3 महीने, देन यू कैन गो टू स्कूल, शायद आप जा पाओगे और तब तक सिचुएशन ठीक हो जाएगी। बट नाउ इट वर्सन्ड और अब जो स्थिति है, अभी स्कूल जाना, और अब हम बच्चों को ये समझा रहे हैं इस साल शायद आप स्कूल ना जा पाए, हो सकता है और 2-3 महीने लगे, 4 महीने लगे, देर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब हम खुद नहीं जानते कि इसका क्या होगा आगे। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे कहते हैं आप तो टालते ही जा रहे हो हमें, समय सीमा आगे बढ़ाते जा रहे हो। सेकेंडली जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो बच्चों का स्क्रीन टाइम, मतलब वो करीब सुबह 3-4 घंटे, कई बार 5 घंटे, मतलब वो 6-7 पीरियड लगातार चल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, और वो कंप्यूटर पे देख देख करके थक रहे हैं बच्चे। इस स्क्रीन टाइम की प्रॉब्लम के लिए बारे में क्या कहेंगे आप, प्रगति? अगर आप मैम, यस मैम, एक्चुअली मेरा भी बेटा है, उसकी भी क्लास होती है, एंड बच्चे ना ऑब्जर्वेशन से बहुत सीखते हैं। अगर हम डाइनिंग टेबल पे बैठकर टीवी चला के खाना खा रहे हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि तो हम पढ़ रहे थे, अब हमें भी टीवी देखना है, हम भी खाना खाएंगे। तो अभी कल का एक सीन है, मैं अपने बेटे को बोल रही थी कि आप टीवी मत देखो, आपने अभी अभी तो 1.5 घंटे की क्लास हुई है आपकी ऑनलाइन। तो ही सर, पर बाबा वॉच टीवी, बाबा तो देखते हैं। मैंने कहा अच्छा, हम बाबा को भी बोलेंगे कि आप भी टीवी नहीं देखेंगे खाना खाते टाइम में। तो वही चीज है कि हमें स्क्रीन टाइम को लिमिट करना होगा अपने ऊपर भी और बच्चे के साथ में भी। जितना ज्यादा हम बच्चे के साथ इन्वॉल्व होंगे, उसको रिक्रिएशन के लिए नई नई एक्टिविटीज, नए नए रोल्स में लगाएंगे, हम अपने हाउस होल्ड चोर्स को भी बच्चों के साथ डिवाइड करें, उन्हें भी रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आने दें, इवन उनसे एडवाइस मांगे, अच्छा हम आज क्या कर सकते हैं, हम आज क्या नया कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंस उन्हें लगेगा, अच्छा मेरी भी इम्पोर्टेंस है फैमिली के अंदर, मेरे भी अपने रोल्स हैं। तो जब वहां वो उनका अटेंशन और उनकी एनर्जी उस जगह लगा दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनका स्क्रीन टाइम कम होने लग जाता है। बच्चे क्यों देखना चाहते हैं, ये बात हमें समझने की बात है, क्यों? क्योंकि वो रिक्रिएशन चाहते हैं, बेस उनका रिक्रिएशन है। तो अगर हम वही रिक्रिएशन, उनकी वही एनर्जी दूसरे कामों में इन्वॉल्व करवा देते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका स्क्रीन टाइम कम होने लगता है और एक फैमिली के अंदर बॉन्ड डेवलप होता है कि मेरी मदर, मेरे फादर मुझसे शेयर करते हैं, मेरे से मेरी बातें पूछते हैं, इमोशंस का एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ हम बोर हो रहे हैं, दैट्स ओके, हम कह रहे हैं। हाँ, हम ये क्यों कहते हैं बच्चों को, नहीं कोई बात नहीं है, बोर नहीं होना है, जो भी है आप टीवी ऑफ करो, टीवी क्यों ऑफ करो, हमें उन्हें ये रीजन भी देना होगा साथ के साथ में, रीजन और ऑप्शन भी, राइट, डेफिनेटली हमें रीजन भी देना होगा और ऑप्शन भी देना होगा, बेटर वे में चल पाएगा काम। अभी कुछ गाइडलाइंस भी आई हैं मिश्रा जी, जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी स्क्रीन टाइम लिमिट करने की बात कही गई है, लेकिन अगर 30 मिनट या 45 मिनट के 2 सेशंस या 4 सेशंस, इनसे पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों के लिए। तो मिश्रा जी, कैसे स्क्रीन टाइम की जो गाइडलाइंस है उनको हम फॉलो कर पाएंगे और बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई का स्क्रीन टाइम है और उसके बाद उनके खेलने का, गेमिंग का, टीवी का, सब चीजों का स्क्रीन टाइम है, तो इस सारे स्क्रीन टाइम को अगर हम जोड़े तो बहुत ज्यादा आवर्स होते जा रहे हैं, लिमिट से एक्सटेंड होते जा रहे हैं, शायद 4 गुना आवर्स आजकल बच्चे जो है वो टीवी या स्क्रीन पर स्पेंड कर रहे हैं। मिश्रा जी, जैसे आपने कहा भी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने अभी गाइडलाइंस जारी की है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक, मैंने हर एक लेवल के लिए बताया है, जैसे प्री प्राइमरी में 30 मिनट्स का, फिर क्लास 1-8 के लिए मैंने 2 पीरियड्स ऑफ 45 मिनट्स ईच, और क्लास 9-12 4 पीरियड होंगे 35-40 मिनट्स की। तो ये हैं, और जहाँ तक बताया सिलेबस ज़्यादा है, कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमने भी, एनसीईआरटी ने भी अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर विकसित किया है क्लास 1 से क्लास 12 के लिए, और उसमें मैंने सिलेबस के साथ साथ और मैंने बहुत सारी गतिविधियाँ दी हुई हैं जो आप घर पे अपने टीचर और पेरेंट्स की मदद से कर सकते हैं। और क्लास 11th एंड 12th और 10th के लिए, और CBSE ने सिलेबस भी काफ़ी मैंने कम किया है, अभी पिछले हफ्ते ही मतलब आया है, तो जी नेक्स्ट मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10th 11th एंड 12th के लिए।
सिलेबस कम हुआ है, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और स्क्रीन टाइम भी लिमिट करने की बात हो रही है। इस सारी सिचुएशन में जो हमारा टॉपिक था कि हम मदद करेंगे बच्चों के, हमने बहुत सारे पॉइंटर्स उन्हें बताए, कई तरह की स्ट्रैटेजीज बताई, हमने कोशिश ये की कि हम पेरेंट्स की मदद से बच्चों को गाइड कैसे किया जाए या पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते, बच्चे जो हमें सुन रहे हैं वो कैसे खुद अपनी मदद करें खुद को इंजॉय करने के लिए या ना यू नो खुद को इन्वॉल्व रखने के लिए टीवी के अलावा और चीजों में। प्रज्ञा जी कुछ ऐसे सजेशंस अगर आप दे सकते। राइट मैम, तो सभी स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने दिमाग से कुछ नया नया क्रिएट कीजिए कि स्क्रीन टाइम को छोड़कर कौन से नए नए वेज हो सकते हैं जिसमें हम अपनी जो आपके अंदर इतनी इमेंस एनर्जी है उसको आप लगा सकते हो। और जिनको भी अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा हो तो मैं उन लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी बताती हूँ कि आप एक जार लीजिए और पर डे उस जार में लिखिए डालिए कि आपके पास क्या है, होता है ना कि हमारे पास क्या है जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, डेली थैंक यू बोल सके किसी चीज के लिए, जो भी चीज आपको नजर आए आप एक एक चीज डालते जाइए। आप 30 दिन में देखेंगे आपके पास इतनी सारी चीजें होंगी उस बॉक्स में कि जब आप उन्हें खोलोगे अरे वाह मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं खुश होने के लिए, तो आपको वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग डेवलप होगी कि मेरे पास इतना, जब होता है ना अगर जेब में पैसे रखे हो तो कॉन्फिडेंट फील करते हैं हम, द सेम वे बेटा आप लोग भी जब इस तरीके से एक्टिविटी करोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। उसमें आप ये भी डाल सकते हो कि आज मैंने अपना टाइम टेबल ढंग से फॉलो किया, मैंने 60% फॉलो किया, आज मैंने 70% फॉलो किया, ठीक है कब मैंने 50% हो सकता है 50% ही फॉलो किया हो, तो आप एक नई, ये मैंने एक एक्टिविटी बताई, इस तरीके से और भी नई एक्टिविटीज आप क्रिएट कर सकते हो। आप क्राफ्ट बना सकते हो जिसकी जो हॉबी हो, हॉबी में किसी की सिंगिंग भी हो सकती है, किसी का गिटार बजाना हो सकता है, किसी की पेंटिंग हो सकती है, तो आपकी जो भी हॉबी हो आप इस टाइम में जितना ज्यादा उसको उभार सकते हो, एक्सीलेंस पे जा सकते हो, आप वो कोशिश कीजिए क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, आप हर बच्चा यूनिक है, तो आप अपने आप को एक बार ना झांक कर देखो कि मैं क्या चाहता हूँ। स्क्रीन टाइम तो जस्ट अ इल्यूजन, टीवी जस्ट अ इल्यूजन, एक पिक्चर चल रही है, बट मेरी खुद की पिक्चर क्या है, वो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, वो मैं कैसे क्रिएट करूंगी, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज उस पर वर्क कीजिए, अपनी कोर स्ट्रेंथ, अपनी इनर फीलिंग्स को पहचानिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आपका ये टाइम ना आई थिंक बेस्ट टाइम हो जाएगा आपका ये। जी बिल्कुल, और अभी हमारे पास समय भी है, अपने समय का सदुपयोग करने का, इसे बेस्ट टाइम बनाने का। आखिरी सवाल लूंगी मिश्रा जी आपसे कि बच्चे ना बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे हैं उसमें यही बात आ रही है कि बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं और खासतौर से वो अपने एज ग्रुप को मिस कर रहे हैं, मतलब हम उनके साथ चाहे कितना भी खेलने की कोशिश करते हैं वो अपने पर्टिकुलर एज ग्रुप को मिस करते हैं, स्पेशली जो सिंगल चाइल्ड है। अगर सिबलिंग्स होते हैं तो फिर भी आपस में थोड़ा लड़के थोड़ा खेल के इंजॉय कर लेते हैं, बट सिंगल चाइल्ड चिल्ड्रन जो है, सिंगल चाइल्ड जो है उसके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, अगर इस पर अगर आप कुछ कमेंट करें टीचर जी। अरे तो इसमें तो किसी ने मना नहीं कि आप अपने जो मित्र हैं, आप मित्र को स्कूल के फ्रेंड्स से आप जिनको आप मिस कर रहे हैं उनसे आप आराम से जुड़ सकते हैं, डिफरेंट मीन से वीडियो कॉल करके बात करके आप जुड़ सकते हैं। और एक दूसरी चीज़ है कि आप अपने राइट ए जर्नल, आप जर्नल लिखिए टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इस पीरियड में, आप भी लिखिए और अपने पेरेंट्स को भी बोलिए वो भी लिखें, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए और फिर बाद में आप देखेंगे कि मैंने काफ़ी कुछ आपने सीखा अपने बारे में, मैंने टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। जी, और जैसा कि आपने बताया जर्नल लिखें और प्रज्ञा जी ने बताया कि एक जार में चिट डालना शुरू करें, तो ये सिर्फ आप अकेले नहीं करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ करें, पेरेंट्स का अलग जार हो और आपका अलग जार हो और आप सब डालें और फिर देखें कितनी बातें कॉमन निकलती है, कितनी नई बातें निकलती है और आप एक दूसरे से वो नई बातें सीख सकते हैं, एक दूसरे के साथ वो नई बातें शेयर कर सकते हैं कि आपके पास क्या नया है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू ऑल योर एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड अस। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। और आप ये कोशिश भी करते रहें, और हमारा ये सेशन अगर आप दोबारा देखने चाहें तो एनसीईआरटी ऑफिशियल हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर इस सेशन को दोबारा देखें, सारे पॉइंटर्स नोट करें और इनको फॉलो करने की कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों की मदद कर पाएंगे और बच्चे खुद की मदद कर पाएंगे इस न्यू नॉर्मल में एडजस्ट होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, कल शाम 5 बजे आपसे जुड़ा एक और विषय लेकर हम जरूर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।